समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। बालू ठेके में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए ठगे, बबीना थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि झांसी में बालू ठेके में पार्टनर बनाने का झांसा देकर जालसाज से चार्टर्ड अकाउंट से 25 लाख रुपए ठग लिए गए। कई बार पैसा वापस मांगने पर भी जालसाज रकम नहीं लौटा रहा है। भुक्तभोगी चार्टर्ड अकाउंट ने आरोपी के खिलाफ बबीना थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। बबीना थाने के पटकियाना मोहल्ला निवासी राजेश पाठक ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं। उनकी जान पहचान एनजीओ चलाने वाले अमित त्रिपाठी पुत्र शिव नारायण निवासी शास्त्री नगर से है। अमित ने घाटों से बालू उठाने का काम करने वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हिस्सेदारी दिलाने का झांसा देकर उससे 25 लाख रुपए ले लिए। राजेश पाठक जी, कहाँ निवास करते हैं? मैं पाठक मोहल्ला बबीना कैंट का निवासी हूँ। क्या कार्रवाई चल रही, क्या क्या हुआ है आपके साथ? सर, मामला सन 2020 का है। अमित त्रिपाठी नामक व्यक्ति हमारे मित्र थे, बबीना शास्त्री नगर में रहते हैं। वो एक दिन हमारे पास आए, बोले बालू का ठेका हो रहा है, उसमें उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। मोटा मोटा उन्हें 50 की डिमांड की थी, हमने कि 25 हमारे पास है, अब मदद के तौर पे हम आपको दे देते हैं। बोले आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और शीघ्र ही हम आपका पैसा वापस कर देंगे, 3-4 साल ठेका चलेगा, जो कुछ होगा पैसा आपका हम कर देंगे। किस व्यापार में पैसा लगाया था? वो बालू के ठेके के नाम पर ले गए थे। फिर बाद में जब पैसा चला गया, फिर हमने साल दो साल वेट किया उनका। साल दो साल तक कई बार पैसे मांगे, पैसे उन्होंने वापस नहीं किए। तो फिर हमने पता किया, पता करने पर चला कि इनकी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। जहां इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया उनके नाम पर भी कोई ठेका नहीं है। फिर हमें 420C का पता चला कि हमारे नाम पर धोखा हुआ है, ठगी हुई है, जिस कारण से पैसा हमारा वापस नहीं हो रहा है। कहाँ FIR करी आपने? हमने एंटी फ्रॉड सेल झांसी में FIR की थी, SP साहब के कार्यालय में। एंटी फ्रॉड सेल के अलावा लखनऊ में भी हमने ADG को भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, जिसके तहत कार्रवाई हुई है। एंटी फ्रॉड सेल से मुकदमा लिखने के बाद वो अभी न थाने में दर्ज हो गया है।